हम पहला है तो यहाँ पर जो डिफेंस सेक्टर के बारे में कहा भी जा रहा है और पर्टिकुलरली कहा भी जा रहा है, गड्डी साहब ने भी कहा, मेडल ने भी कहा, और दूसरा ये कि यहाँ बहुत कुछ बातें डिफेंस सेक्टर के बारे में हमको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर से आता हूँ तो डिफेंस सेक्टर के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं, और उसके लिए हम सारे सेंट्रल ट्रिब्यूनल को, जिस तरह उन्होंने आपने रिस्पॉन्स किया है, हम सारे सेंट्रल ट्रिब्यूनल को इस बात की बधाई देना चाहते हैं कि आपने बहुत सीरियसली हमारे मैटर को लिया है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने ऐसा कोई कभी हमारे नज़र में ऐसा कोई नहीं रहा इतने सालों में कि कभी डिफेंस सेक्टर हड़ताल में एक दिन भी कभी पीछे रहा हो, जब भी सेंट्रल ट्रिब्यूनल ने कॉल किया हो। उसके बावजूद इस बार क्योंकि एक नई परिस्थिति हुई है तो हम लोगों ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार और हम दोनों ने मिल के काफ़ी हद तक और फेडरेशनों को लेकर एक बॉर्डर प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, और उस हिसाब से हमको मालूम नहीं था ये 8-9 के बारे में, लेकिन हम 23, 24 और 25 जनवरी को NPS और प्राइवेटाइजेशन, नया पेंशन स्कीम और प्राइवेटाइजेशन, ये दो मुद्दों को लेकर डिफेंस सेक्टर, हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्टर जो करीब 430-435 है छोटे बड़े मिला के, वो पूरा सेक्टर हम 3 दिन की हड़ताल को जा रहे हैं और आप सबका समर्थन चाहते हैं, और 23, 24 और 25 जनवरी को, और ये हमारा निर्णय है, और जो भी 8-9 को हमारा जो भी कार्यक्रम रहेगा सेंट्रल ट्रिब्यूनल का, उसको हमारा हमेशा सपोर्ट रहता और रहेगा, उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लिहाजा ये दो खबर आपको हमको देनी थी, और हालात जो है देश के वो आपको सबको मालूम है, मोदी के सवाल पर सभी बोल रहे हैं और हमारे महामंत्री भी डेफिनेटली बोलेंगे, तो मैं अब हमारे महामंत्री जनरल सेक्रेटरी साथी अरविंद सिंह सिद्धू जी को आमंत्रित करता हूँ, वो यहाँ पर आए और अपनी बातें रखें। साथी सिद्धू जी,